नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। बिहार में कड़ी पाबंदियों के बीच कोविड-19 का कहर जारी है। बिहार में रोजाना 10,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के कहर को थामने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कई पाबंदियाँ लगाई थी, जैसा कि नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन आदि। लेकिन इसकी रफ्तार में कमी नहीं आ रही है। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब लॉकडाउन सिर्फ एकमात्र उपाय रह गया है। इधर कोरोना संक्रमण को लगातार हो रही बढ़ोतरी और उपचार को लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी अपना रुख बदल लिया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि राज्य सरकार से बात करें और बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से 4 मई की सुबह 11:34 पर ऐलान कर दिया है कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर क्या कहा है, आइए जानते हैं। उन्होंने लिखा है, कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारी के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तार मार्ग निर्देशिक एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। इस ट्वीट के बाद पूरे बिहार में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि यह लॉकडाउन कब से लागू होगा। बता दें कि आज से लॉकडाउन लागू होने वाला है। आज यानी 4 मई से 15 मई तक लागू रहेगा, जैसा कि हमने आपको बताया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है कि पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि बिहार में प्रतिदिन 10,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। अब हम बिहार सरकार की नई गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य सरकार की सभी कार्यालय बंद रहेंगे। वाणिज्य तथा अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% बैठने की क्षमता के उपयोग की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क्स बंद होंगे। विवाह और शादी समारोह की बात कर लेते हैं, तो विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों तथा अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमति होगी। राशन और सब्जी की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, कई लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना से डरना नहीं है, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करना है, साथ ही साथ समाज में सोशल डिस्टेंस का भी प्रयोग और पालन करना है। हमारी और आपकी लड़ाई कोरोना से है और हमें विश्वास है कि हम कोरोना से एक दिन जीत जाएंगे। आपको यह जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल दी न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अब हम Instagram पर भी आ चुके हैं, आप हमें Instagram पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।